नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। जैसा कि हम हमेशा ही एग्रीकल्चर ट्रिकी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो उसी क्रम में जो आज की वीडियो है वो प्रमुख फसलों की बीज दर के बारे में है। यानी हम फसलों की बीज दर के चक्कर में फंस जाते हैं और एग्रोनॉमी में लगभग 32 या 35 फसलें हैं जिनकी बीज दर हम याद नहीं कर पाते। तो आज हम ऐसी ट्रिक लेके आए हैं इस वीडियो में कि जिससे हमें जो फसलों की बीज दर है वो बिल्कुल ही क्लियरली याद हो जाएगी और कभी भी हम उनकी बीज दर को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बात करते हैं बीज दर के बारे में कि फसलों की बीज दर कैसे याद करें। तो देखिए, फसलों की बीज दर याद करने के लिए आपको फसलों को विभिन्न वर्गों में बांटना होगा। जैसे मैं सबसे पहले बांट दूँ, ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 100 किलोग्राम होती है, आप फसलों को विभिन्न तरह के वर्गों में बांट लो। जैसे हमने पहले बांटा 100 किलोग्राम बीज दर वाली फसल, ऐसी फसल जिनकी बीज दर 100 किलोग्राम होती है, तो ऐसी फसलें तीन हैं। धान की बीज दर की हम बात करें तो 100 किलोग्राम होती है, गेहूं की बीज दर की बात करें तो 100 किलोग्राम होती है, और जई की बीज दर की भी बात करें तो 100 किलोग्राम होती है। तो एक वर्ग तो हो गया 100 किलोग्राम बीज दर वाली फसलें, और वो कौन कौन सी हैं? धान, गेहूँ और जई। और जो धान की और गेहूँ की कुछ स्पेशल बीज दर भी होती हैं जिन्हें हम बाद में बात करेंगे। दूसरी हम बात कहें 80 से 100 किलोग्राम बीज दर वाली फसल, यानी ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम के बीच में होती है, तो वो देखो जौ है, मटर है, चना है, सोयाबीन और मूंगफली है। जौ, मटर, चना, सोयाबीन और मूंगफली, ये ऐसी फसलें हैं जिनकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम के मध्य में होती है। दो वर्ग हो गए, एक ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 100 किलोग्राम होती है, दूसरा ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम के बीच होती है। तीसरी हम बात करें 20 से 25 किलोग्राम बीज दर वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 20 से 25 किलोग्राम के बीच में होती है। तो देखो 20 से 25 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो एक तो आता है संकर मक्का, शंकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम होती है। दूसरा आता है रिजका, बरसीम और मेथी। शंकर मक्का, रिजका, बरसीम और मेथी ऐसी फसलें हैं जिनकी बीज दर 20 से 25 किलोग्राम होती है। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तीन वर्ग 100 किलोग्राम वाली, 80 से 100 किलोग्राम वाली और 20 से 25 किलोग्राम बीज दर वाली। अब अपन आगे बात करें तो आगे और वर्ग देखो कौन कौन से वर्गों में हमने बांटा है। तो आगे एक आता है 15 से 20 किलोग्राम बीज दर वाली फसल, ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 15 से 20 किलोग्राम होती है। देखो उनमें आ जाता है तुम्हारा संकर धान यानी हाइब्रिड राइस, दूसरा आ जाता है संकुल मक्का, मूंग, लोबिया या चबला, कपास, ग्वार और धनिया। इन सभी जो फसलें हैं इनकी बीज दर कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम के बीच में होती है। कौन कौन सी? संकर धान, जैसे हम बात करें इसकी कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम। संकुल मक्का की बात, संकर धान की 15 किलोग्राम होती है, संकुल मक्का की बात नहीं, 18 से 20 किलोग्राम है। मूंग, लोबिया, चबला, कपास, ग्वार, धनिया, इन सभी की 15 से 20 किलोग्राम होती है। आगे मैं बात कहूँ 10 से 15 किलोग्राम बीज दर वाली फसल, यानी ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 10 से 15 किलोग्राम होती है, तो उनमें आ जाएगी आपकी उड़द है, अरहर है, अरंडी है, जीरा है, कुसुम है, अलसी है। ये किस्म आ जाएंगे 10 से 15 किलोग्राम बीज दर वाली फसलें, जैसे उड़द, अरहर, अरंडी, जीरा, कुसुम और अलसी। आगे अपन बात करें 8 से 10 किलोग्राम बीज दर वाली फसल, ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 8 से 10 किलोग्राम के मध्यम होती हैं, तो वो फसलें हैं ज्वार, मोठ, सूरजमुखी और सौंफ। ज्वार, मोठ, सूरजमुखी और सौंफ ऐसी फसलें हैं जिनकी बीज दर 8 से 10 किलोग्राम के बीच में होती है। आगे अपन और भी बात कहें तो जैसे 5 किलोग्राम बीज दर वाली फसल, यानी ऐसी फसलें जिनकी बीज दर 5 किलोग्राम होती हैं, तो उनमें आ जाते हैं तुम्हारी सरसों, तारामीरा और बाजरा। जैसे सरसों की बात कहें 4 से 5 किलोग्राम, तारामीरा की बात कहें 4 से 5 किलोग्राम, बाजरा की बात कहें 5 से 6 किलोग्राम। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनकी बीज दर कितनी होती है? 5 किलोग्राम होती है, सरसों, तारामीरा और बाजरा। आगे मैं बात कहूँ 2 से 3 किलोग्राम बीज दर वाली फसलें, यानी वे फसलें जिनकी बीज दर 2 से 3 किलोग्राम के मध्यम होती है, तो देखो सबसे मोस्ट है इसमें तंबाकू, उसके बाद हम बात करें तिल, और उसके बाद हम बात करें शंकर कपास। तंबाकू, तिल और शंकर कपास, इन तीनों की बीज दर कितनी होती है? 2 से 3 किलोग्राम के बीच में होती है। आगे देखो हम बात करें एक मोस्ट बीज दर की, सीड ड्रिल द्वारा गेहूं व धान की बीज दर, तो वो होती है 60 किलोग्राम। अगर हम सीड ड्रिल के द्वारा बात कहें तो गेहूं और धान की बीज दर 60 किलोग्राम होती है। आगे मैं बात कहूँ नर्सरी हेतु बाजरा की बीज दर,
तो वो 2 किलोग्राम होती है। जब हम नर्सरी के रूप में बाजरा का उपयोग करते हैं तो उसके लिए 2 किलोग्राम बीज दर लेते हैं। आगे आती है डेपोक विधि में धान की बीज दर, तो वो होती है 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डेपोक विधि है, डेपोक विधि के लिए धान की बीज दर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये थी अपनी बीज दर वाली जो PDF और वीडियो जो आज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको PDF भी लेनी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको PDF भी सेंड कर देंगे, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर करना।